जी समोसा। समोसे की पट्टियों के लिए मैदा 300 ग्राम, घी 2 खाने के चम्मच, तेल तलने के लिए नमक हसब जायका। फिलिंग के लिए चिकन बॉइल्ड 300 ग्राम, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, पिज्जा सॉस 5-6 खाने के चम्मच, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश 150 ग्राम, ओरिगानो आधा चाय का चम्मच, शिमला मिर्च चॉप्ड बगैर बीज के 1 अदद, टमाटर चॉप्ड बगैर बीज के 1 अदद, मैदा 2-3 खाने के चम्मच, तेल फ्राइंग के लिए नमक हल्क जायका। पट्टियाँ बनाने का तरीका, एक मिक्सिंग बोल में मैदा डालें, फिर इसमें घी नमक और हसब ज़रूरत पानी शामिल करके पट्टियों के लिए आटा गूंद लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर इसकी गोल पट्टियाँ काट लें। फिलिंग का तरीका, मिक्सिंग बोल में फिलिंग के तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें, पट्टियों में फिलिंग करें, मैदे को नीम गर्म पानी में हल करके लई बना लें, पट्टियों के किनारों पर लगाकर बंद कर लें, पैन में तेल गर्म करें और समोसों को फ्राई कर लें और सॉस के साथ सर्व करें। Assalamu alaikum. Walls Creamy Diet present food station with Chef Gulzar. और इसमें जो है आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हमेशा की तरह बहुत सारी रेसिपीज़ बनने वाली हैं, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, और रमज़ान के दिन जो हैं वो आहिस्ते आहिस्ते ईद के करीब जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि तैयारियाँ आहिस्ते आहिस्ते जारी होंगी आपकी। जल्दबाजी प्लीज़ ना करें, थोड़ी सी देर से घर पर पहुँच जाएँ कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईद आपकी जो है ना वो खुशगवार गुजरे और सब मिलकर फैमिली के साथ अच्छी सी ईद मना सकें। इसलिए कि जल्दबाजी में आपको पता है कि नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाना सिखाएं, और ताकि ये कि आप अपने घर पर इफ्तार में भी बनाएं और साथ में ईद के करीब जब आएँ तो उस पर भी आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ घर पर तैयार कर सकें। झटपट रेसिपीज़ हैं, जल्दी बनने वाली हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आप अपने साथ भी आप भी बनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चीज़ समोसा, और चीज़ समोसा बहुत ही मज़ेदार है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। साथ में अरबियन पराठा बनने वाला है, और इसके साथ वॉल्स क्रीमी डिलाइट विद बिस्किट के साथ जो है हम तैयार कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और ये तीनों रेसिपीज़ मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी जल्दी बनाएंगे और मुझे मैसेज करेंगे कि ये रेसिपीज़ आपसे कैसे बनी हैं। तो आज हमारे पास एक गेस्ट हैं जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, और कहा जाता है कि समा की शान हैं आप, समा की आन हैं आप, और इनम खान हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम इनम खान, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक ठीक ठाक, आप सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगा यहाँ पर आकर आप? वेल, खबरें तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी कुकिंग शो में आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आई हैं आप? ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कुकिंग शो में आपने होस्टिंग की हो थोड़ी बहुत? नहीं ऐसा, तो कोई तजुर्बा, कोई एक्सपीरियंस? अच्छा, सिर्फ आपने न्यूज? हाँ, तो मुझे अब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो अब जो आप करेंगे मैं वही करने लगी हूँ। तो अगर फर्ज करें कि अभी हम कुकिंग कर रहे हैं, तो इसे अगर न्यूज की तरह से किया जाए तो कैसे होगा? ओके नाजरीन, मैं इस वक्त यहाँ पर एज एंकर या आउटडोर, यूजुअली हम लोग जब आउटडोर होते हैं अपने स्टूडियो में नहीं होते। 6 बज चुके हैं शाम के, 6 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं, और इस वक्त आप सोशल मीडिया का टॉप शो देख रहे हैं फूड स्टेशन विद गुलजार, और मैं यहाँ पर एज अ होस्ट यहाँ पर आई हूँ, एज अ गेस्ट। तो हेडलाइंस बिल्कुल, और आज खाने में बहुत मजे मजे की चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? आई थिंक चीज समोसा है, और कुछ पराठा भी आप बनाने वाले हैं, एंड अरबियन पराठा है, और वॉल्स क्रीमी डिलाइट विद बिस्किट्स है, ठीक है ना? अच्छा, अक्सर ये होता है कि आप मीठे में जब हम नमकीन बना चुके होते हैं, बहुत थक चुके होते हैं, बहुत सारे काम कर चुके होते हैं, तो अक्सर हम बाहर से ही कोई ना कोई चीज परचेज करते हैं मीठे के लिए। मैं गुलजार साहब, मैंने सुना है कि वॉल्स क्रीमी डिलाइट काफी हेल्दी है, और बड़ा हेल्दी है, बड़ा मुनासिब कीमत में दस्तियाब है, 230 रुपए में ये आपको मिल जाता है। अगर मिठाई की तरफ जाते हैं तो आपको पता है 500-600 रुपए से कम की मिठाई नहीं मिलती। और दूसरा ये कि इसके साथ अपने क्या नाम है, केक की तरफ जाते हैं, वो भी आजकल 1000-1200 रुपए से कम का, लाइटर ट्रीट भी। हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों चीजें हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज किया जाए ताकि हाइजेनिक होने के साथ आपके सेहत का भी ख्याल रखता है। दूसरा ये इसका मतलब है जो क्रीमी डिलाइट्स के बिस्किट्स आप बनाने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार होंगे, और इंशाल्लाह तो मैं घर लेकर जाऊंगी और मैं फिर अफ्तार में वो खाएंगी और फिर कल आपने मुझे फोन करके बताना है कि आपको कैसा लगा। चलते हैं कुकिंग की तरफ, और हमारे पास
हमारे पास कॉलर है निगत फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम निगत। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, बहुत अच्छी बनाते हैं आप। बहुत शुक्रिया जी निगत। देख लें इतनी अच्छी चीजें बना रहा हूँ मैं रोजाना। अब आपको 30 मुख्तलिफ किस्म की वॉल्स क्रीमी डिलाइट के डिजर्ट्स मिलेंगे, तो ये आप अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं। मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर अपने बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर तरह के लोगों को इसको सर्व किया जा सकता है, ठीक है ना जी। क्या कहना चाहेंगे, कोई फरमाइश करेंगे आप जी? हेलो 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 जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये है जी, ये ग्लव्स हैं या पहने? अच्छा निगत जो है वो कब आना चाह रही हैं? जब भी आना चाहें जल्दी आएँ, इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर कुकिंग कर सकती हैं आप, ठीक है जी निगत, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये ग्लव्स जो हैं तैयार हो चुके हैं। अब इरम खान जो हैं वो तैयारी की पूरे आखिरी मराइल में, और हम चल रहे हैं अपनी मिक्सिंग की तरफ। हम चीज़ समोसा बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें बॉयल्ड चिकन चाहिए होगा, ठीक है। बॉयल्ड चिकन हमने ले लिया, ये है मोज़रेला चीज़, ये भी हमने ले ली, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा सा नमक चुटकी चुटकी, और उसके बाद मैंने इसमें लेना है थोड़ा सा लेमन जूस खटास के लिए, और ये है ओरिगानो, ये जो है खूब इसका एक फ्लेवर होता है, आपको पता ही है पिज़्ज़ा का फ्लेवर। थोड़ा सा काली मिर्च, और इसके बाद मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देना है थोड़ा सा, और इसके बाद शिमला मिर्च, और ये है टमाटर चॉप, और इसके साथ थोड़ा सा गार्लिक। ये बन गया पूरा हमारे पास, मतलब जो समोसे का बैटर, सारी चीज़ें जो आपने मिक्स की हैं काफ़ी मज़ेदार है ना? अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना ये मज़ेदार होगा, ये पिज़्ज़ा टाइप का जो है ना समोसा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ समोसा होता है ये। अच्छा, इसको आपने जब तैयार कर लिया, इसको एक तरफ रख लिया आपने। अच्छा, आम आदमी में, शेफ में यही फ़र्क होता है क्या, कि वो अपनी तैयारी जो है ना वो मैनेज करता है, पूरी दिमाग में उसकी एक फिल्म होती है कि मैंने पहले ये बनाना है, उसके बाद अब समोसे की पट्टी खोलने से पहले ही वो क्या करेगा कि एक प्याला लेगा, और इसकी जो लई होती है ना समोसे पे लगाने वाली, उसको भी एक अंडा, और साथ में तो थोड़ा सा मैदा, और इसको मिक्स करने के बाद ये बन गया क्या, अंडे का फंडा। अंडे का फंडा, ठीक है। तो ये अभी ये पट्टी आप खुद ही बनाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, पट्टी बनी हुई है, और उसको बस हमने सिर्फ इसमें फिल करना है, और बल्कि मैं अकेले नहीं करूँगा, बल्कि आपसे भी मैं इसको करवाऊँगा। कभी समोसे बनाए? हाँ बनाए हैं, लेकिन जो है इसी काम से मैं सबसे ज़्यादा भागती थी। अच्छा, इसी काम से सबसे ज़्यादा भागती। अच्छा, ये जो है अक्सर जो पट्टी होती है समोसे की, हाँ। वो अक्सर टूट जाती थी, या मैं समोसा बनाती थी तो अक्सर समोसा ही जो है ना वो सारा सा सामान उसका बाहर आना शुरू हो जाता था। अच्छा ठीक है, तो आज समझ लें कि आपके घर वाले देख रहे हैं इस वक्त? हाँ देख रहे, देख रहे होंगे। अच्छा, उनको मैं बता दूँ कि आज के बाद इरम खान से आप समोसा बनवाएं, इंशाल्लाह समोसे की पट्टियाँ नहीं टूटेंगी, ठीक है जी। और कैसे, क्यों, इसकी वजह ये है कि जाहिर बात है मैं समझाऊँगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया समोसे की पट्टियाँ, ठीक है, और इसे आपने लेकर अब आपके पास ये, इसको स्टार्ट करने से पहले ये देखें, ये देखें इस तरह से, ठीक है ठीक है। इसको कहते हैं एयर इसमें जाना, सही। और उसके बाद इस तरह से इसको करें, अलग अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इस तरह करें ताकि दोनों तरफ से इसमें एयर चला जाए, ठीक है। अब इसको आपने रख लिया, तो अब आपने एक एक पट्टी उठानी है और इसको समोसा बनाना है। तो अब आपने मुझे गौर से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और एक दफ़ा आपने चेक कर लिया और समझ में आ गया आपके, तो फिर आप आराम से अपने घर पर जो है इसे तैयार कर सकेंगे, ठीक है जी। यहाँ हमने ले लिया समोसे की पट्टी, और इसे हमने ये देखें इस तरह से। अच्छा, सबसे पहले आपने पट्टी पकड़ी और इसे राउंड किया यूं, सही। ये चीज़ आपकी अगर अच्छी बन गई तो फिर आपका समोसा बेहतरीन बन जाएगा। ओके, ये कॉर्नर अगर अच्छा बन गया, ठीक है, ये कॉर्नर बनाया आपने, इसमें लिया आपने लाई, ये बन गया इसको आपने, अब ये बन गया पॉकेट,
ठीक है, इसमें आपने ये स्टफ भरा और ये जो पट्टी आगे की तरफ है ना, इसको आपने ये लगाया यूं, और ये आपके समोसे की बाइंडिंग हो गई। ठीक है, बिल्कुल तिकोन समोसा बना है। ये देख, अब मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश करें, आप तो हैं एक्सपर्ट। बिल्कुल, मैं आपको यानी कि इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ ताकि जब आप घर जाएं तो फिर ये तिकोन समोसा आपको याद दिलाए कि हाँ यार ठीक है ये इस तरह से। और नहीं नहीं, ये देखें, इसको पकड़ा। सबसे पहले आपने इसके कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बनाने के लिए ना इसे आपने यूं हाथ पे ही रखना है यूं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब मैं और इसके जो नीचे का साइड है ना इस पे आपने लई लगा लेनी। ठीक है, ठीक है, मैं करती हूँ अब। यस, तो इरम खान बड़ी हैं, अपने समोसे की पट्टी की तरह इन्होंने उठाया और इस पे लई जो है लगाया और इसके बाद इन्होंने फुल देखा कि ये क्या हो रहा है, ये कोशिश कर रही हैं और इसके बाद आगे बढ़ी, इन्होंने स्टफ के लिए सारा सामान उठाया, इसके अंदर डाला और बांधने के बाद इसे फिल किया। फिल करने के बाद अब ये सोच रही हैं कि क्या डालूं इसमें, काफ़ी है। हाँ, काफ़ी है। अब इसके ऊपर लई लगाई और इरम खान काफ़ी समझदार हैं और ले लगाएंगे नहीं, इरम खान पूरे पूरी पट्टी पे लगाएंगे, पूरी पट्टी पे लगाएंगे, पूरी पट्टी पे लगाएंगी ताकि ये फुल। हाँ, यस यस, ओह यस। अब इसको आपने कॉर्नर देखना है और इसके बाद ये इरम खान ने ओके फाइनली समोसा तैयार हो गया। आप इसको हथेली पे रखें और दिखाएं लोगों को, देख लो कि मैं भी बनाना जानती हूँ। ठीक है, समोसा बनाना। अच्छा इरम खान, ये तो होता रहेगा, बातें भी करते रहेंगे। अच्छा, कोई वाक्य ऐसा जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें? किस तरह का लाइक? जी, यानी कि इस तरह का वाक्य कोई मजेदार सा बचपन में हुआ हो, कोई ऐसी चीज हुई हो। बचपन में मुझे याद है, यानी रोजे के दौरान या रमजान हो, जब रोजा होता था और अम्मी वगैरह सब सो जाते थे तो मैं किचन में जाती थी। जी जी। और मैंने ये बोला होता था कि मेरा रोजा है। जी जी। पता होता नहीं था उस वक्त। और चेयर खींचती थी, फ्रिज के ऊपर फ्रूट्स रखे हुए होते थे, किचन का दरवाजा होता था बंद और मैं खूब बनाना, एप्पल, जो भी फ्रूट होता था। तकरीबन कितने एज के टाइम पर की बात है? मेरे ख्याल से मैं 11, 12 इयर्स की 13 ऐसी कुछ होंगी जब मैंने रोजा रखना स्टार्ट किया। गायब हो जाते थे वो? नहीं, उसमें से बचा के भी रखती थी ताकि पता ना चले। इफ्तार से पहले पहले फ्रूट कम हो गए, ये वजह क्या हुई? दोपहर में जो है मैं इसी तरह फ्रूट्स का लंच करती थी और फिर पूरा पानी पी के फिर मुँह साफ करके। ठीक ठीक। अच्छा, आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है? जी। ठीक है ना, तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे पश्तों में हमारे दोस्तों को इस रमजान में? क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे जो है काफी सारी जो फैन फॉलोइंग है उसमें पश्तो जो है, पश्तो स्पीकिंग काफी ज्यादा है। अच्छा, और मेरा खुद का ताल्लुक जो है वो अपर दीर से है। नो सोकम जमा पुख्ताना रोरान और खोरियाने चेदा शोगूरी डेरा डेरा मेहरबानी सासो डेरा डेरा मनाना और माँ अखपल पेज मंदिम शेयर करो दे प्रोग्राम के एज अ गेस्ट जर आजम यकीन देर से जमा फॉलोवर्स चीदी अगबर आगली अदा प्रोग्राम बगूरी अदा चे डेर मज़ेदार मज़ेदार जिदे शो न दलता फ़कई जम कोशिश कहो माँ चे जदे दलता समोसे कौन से चीज़ समोसे चीज़ समोसे चीज़ समोसे चीदी अगा ज जोड़ो माँ दलता अदा माँ तखीम और माल जेर मज़राजी आपको समझ आया? कुछ भी समझ में नहीं आया लेकिन ये कि मैं सोच रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आज जो है ना यहाँ पर मौजूद हूँ एज ए गेस्ट। हाँ। और मैं जो है चीज़ समोसे पेज पर भी शेयर किया। अच्छा, आपने पेज पर शेयर किया? ठीक। मैं यहाँ पर यकीनन वहाँ से भी लोग मुझे देख रहे होंगे। ठीक है। और जब भी मैं अपने न्यूज कर रही होती हूँ कोई भी खास मौका होता है तो मैं जो है वो पश्तो लाजमी जहाँ मुझे ब्रेकिंग जिस तरह पेशावर जल्दी जीता था तो मैंने वो ब्रेकिंग दो बार मुझे मौका अच्छा, मिला तो मैंने वो ब्रेकिंग भी पश्तो में की थी। बाकी ईद पर भी जो है कुछ ना कुछ लाइव हिट्स वगैरह लेते हैं तो मैं पश्तो में बोलती हूं। आपने देखा कि वॉल्स क्रीमी डिलाइट एक तो सस्ता है, दूसरा ये कि आपके दस्तरखान की जीनत बनता है। फिर पश्तो में भी ये बोल देती हूं। हां, मैं ये क्रीमी डिलाइट दे अगा दे ज्यात अरजानम दे ज्यात खम दे और कतासो अफतारी के क्रीमी डिलाइट दे अगा इस्तेमाल वही यूज कवई बनो अगा स्तासो दपारे दे खदे जका दे टेस्ट दे अगा दे खश्त दे। ठीक है।
मैं समझ गया हूँ कि इन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं, बस अब आप मीठे की फिक्र ना करें और मीठे के लिए सिर्फ एक ही नाम है, जितने मेरे पठान भाई है ना, वो आप जो है क्रीमी डिलाइट ही जो है अफ्तार में जी बिल्कुल, और सहरी में भी यही खाएंगे, बिल्कुल यही खाएंगे इंशाल्लाह। और ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं और मैंने बहुत सारी और बातें भी करनी हैं। अच्छा, इस शोबे से आपका ताल्लुक तकरीबन कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे तकरीबन 5 साल मुझे हो गए हैं। कैसा लगता है आपको पहले में और अब में, यानी कि पहले तो आप जाहिर बात है लोग इतना वो नहीं करते होंगे, अब तो आपको लोग जानते हैं। बिल्कुल लोग जानते हैं, बाहर निकलो तो अक्सर लोग ना गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर मेकअप में होते हैं, फिर हम लोग बाहर विदाउट मेकअप होते हैं, जब कोई मुझे बहुत गौर से इस तरह से देख रहा होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये कंफ्यूजन का शिकार है और इस वक्त दिमाग पे जोर डाल रहा है कि ये इसको मैंने कहीं देखा है, इसको मैंने कहीं देखा है, और अक्सर लोग आके पूछते हैं मैंने आपको कहीं देखा कहीं है, देखा है, देखा आप है, तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि आप क्या करते हैं आप ये वो। मैंने भी अक्सर ये बहुत सारे सवाल के जवाब लोगों को देता रहता हूँ और इस तरह की बात भी होती रही थी। अच्छा आप, अच्छा उनकी शक्ल में ना लिखा हुआ होता है कि यार ये बंदा जो है ना वो सोच रहा है, exactly, वो हम ही पहचान सकते हैं जब हम ऑन स्क्रीन आते हैं, वो जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोचा जा रहा है, ये चीज अच्छी लगती है या कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है वैसे, यानी कि थोड़ा अंदर से कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, तस्वीर बनवाना, सेल्फी और साइन वाइन ये वो, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और ये है कि आपको अपने फैंस को हमेशा अच्छे से ही ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको देखते हैं, आपसे और उन्हीं की वजह से, आप लोगों की वजह से हम हैं और हम अकेले तो कुछ भी नहीं है, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे फैंस नहीं हो तो हम तो कुछ भी नहीं है, समझ लें, ठीक है ना? तो सारे फैंस को मेरा फिर से बहुत सारा प्यार सलाम, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरा ये कि दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और फिर दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल। अच्छा कपड़े वपड़े बनाती होंगी आप ईद पर, फैमिली आपकी यही है? फैमिली मेरी यहीं पर है, यहीं पर मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूं और जो ददियाल है वो फिर अपरदीद में, तो हम लोग नॉर्दर्न एरियाज भी जाते रहते हैं। अभी मैं तकरीबन सारी जगह देख चुकी हूँ, सिर्फ हुंजा गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, हुंजा गिलगित बल्तिस्तान अभी आप नहीं गई हैं, लेकिन जहाँ पर आपका गांव है वहाँ आप जाती हैं? जी बिल्कुल। तो वो इलाका किस तरह, ठंड का ज्यादा, ठंडी ठंडा इलाका है वहाँ पर? हम कराची वालों के लिए तो अगर जून जुलाई में भी जाया जाए तो हमारे लिए, हाँ मतलब सर्दी नहीं होती लेकिन अच्छा वेदर होता है जी यहाँ पर, बड़ा जो बाहर के मौसम में जनवरी फरवरी में जो मौसम होता है वो वहाँ पर होता है, उनके लिए वो गर्मी होती है लेकिन वो हमारे लिए जो है वो ठीक है, थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है। अच्छा गुस्से के मामले में आप कैसी हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोग वैसे तो गुस्से वाले होते हैं, अपरदीर के लोग ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि रोजे के दौरान बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है तो आपने ऑयल उठा के किसी के सर पे डाल दियो? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गुस्सा मुझे आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कौन से वाले गुस्से वाली हैं? दो किस्म के गुस्से वाले होते हैं, एक को गुस्सा आ गया तो बस वो इंतहा तक पहुंच जाता है, दूसरा ये होता है कि गुस्सा आया फौरन ठंडा हो गया, खत्म हो गई बात। नहीं मुझे जब बहुत शदीद एक्सट्रीम वाला गुस्सा आता है तो मुझे रोना आ जाता है, रोना आ जाता है, ठीक है, मैं रो जाती हूँ बहुत शदीद, और बंदा कुछ कर भी ना सके ना तो फिर और शदीद, और शदीद गुस्सा आता है। हाँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, वो ये इस तरह का होता है। तो अभी कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज उठा के किसी के सर पे मार दी हो आपने बच्चों में, बचपन में या जवानी में या के गुस्से में? नहीं ऐसा, अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, यानी कि आपके अंदर बर्दाश्त है? हाँ बर्दाश्त है, मैं कर लेती हूं चीजों को। तो आप अगर फर्ज करें कि इस शोबे में ना होती तो आप क्या होती? मेरे ख्याल से मैं कोई फैशन डिजाइनर होती। फैशन डिजाइनर, यानी कि आपको आपके अंदर एक आर्टिस्ट, बिल्कुल आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। हाँ, और आर्टिस्ट का वो कूट कूट के भरा हुआ है। जब मैं यहाँ पर आने का मैंने इरादा किया था, उससे पहले टेक्सटाइल के लिए भी मैं अपना एडमिशन वहाँ लिया था, वहाँ पर भी मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन जब यहाँ हुआ मास कॉम में तो फिर मैं इस तरफ आई, उसको मैंने सेकंड, यानी कि उसको आपने खैर बात, वो मेरा, हाँ वो मेरी सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस, ये आपका पहला लव था, वो सेकंड लव था, एग्जैक्ट, ठीक है। तो आगे आप न्यूज कास्टर तो आप बन गई हैं, अब आपका क्या ख्याल है, कोई ड्रामे शामे में काम करेंगी या कुछ और करेंगी आप? कोई एक शो लेंगी, जबरदस्त सा एक शो अकेले होस्टिंग करके, और आप कोई अलग सा शो बनाएंगी? हाँ नहीं वैसे अब न्यूज एंकरिंग कर ली है, यह है कि अब आगे का प्लान है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली कुछ सोलो शो करने की, सोलो शो करने की,
अच्छा उसमें जैसे मॉर्निंग शोज वगैरह होते हैं उस टाइप के शो करेंगे? नहीं, मॉर्निंग शो तरह का भी नहीं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल भी नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट न्यूज़ तरह का कुछ, इस तरह का कुछ कभी आया प्रोजेक्ट या कुछ भी मुझे ऑफर हुआ तो डेफिनेटली आवेदन। मैं आपको एक मशवरा दूं जी, आप एक शो करें जिसके अंदर ना आप हस्बैंड एंड वाइफ को बुलाए। ये मैंने जापान में मैं जब था तो मैंने एक शो देखा वहाँ पर, तो वो बॉक्सिंग नहीं होता, बॉक्सिंग उसका उसकी रिंग होती थी, उसके अंदर एक होस्ट होती थी और वो ना हस्बैंड एंड वाइफ को बुलाती थी और उसमें सिर्फ हाथापाई करने की इजाजत नहीं थी और उसके अंदर डॉल्स वगैरह गुड़ियाएं रखी होती थी, आप एक दूसरे को उससे मार सकते हैं। तो वो हस्बैंड एंड वाइफ अपना भड़ास निकालने के लिए बीच में एक होस्ट होती थी, वो उनको बचाती भी थी। तो इस टाइप का अगर करें तो क्या अच्छा आइडिया दिया है मैंने आपको वैसे। हाँ लेकिन हमारे हाँ पाकिस्तानी कल्चर नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसे चलेगा नहीं क्योंकि दोनों लड़े ना रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं वो लड़ते भी हैं तो वो छुपके से बस वो भी आई थिंक जुबान से इस तरह का रियलिटी शो जो है ना आजकल बड़े कामयाब हो रहे हैं, इस्तेमाल नहीं करते, नहीं नहीं ये चीजें फेंकनी है, हाँ एक दूसरे को गुड़िया गुड़िया फेंक कर मारनी है लेकिन हाथ पैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे माशरे में जो है अच्छा भी नहीं समझा जाएगा और आप कह रही तो मैं फिर कोई और आइडिया निकालता हूँ आपके लिए, ठीक है? जब तक हम जा रहे हैं रेसिपी कार्ड की तरफ और वापस आते हैं और बनाते हैं अरेबियन ओराठा। चीज समोसा, समोसे की पट्टियों के लिए मैदा 300 ग्राम, घी 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए नमक, हसब जायका। फिलिंग के लिए चिकन बॉइल 300 ग्राम, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, पिज्जा सॉस 5-6 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश 150 ग्राम, ओरिगानो आधा चाय का चम्मच, शिमला मिर्च चॉप्ड बगैर बीज के 1 अदद, टमाटर चॉप्ड बगैर बीज के 1 अदद, मैदा 2-3 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए नमक, हल्द जायका। पट्टियाँ बनाने का तरीका, एक मिक्सिंग बोल में मैदा डालें, फिर इसमें घी नमक और हसब ज़रूरत पानी शामिल करके पट्टियों के लिए आटा गूंद लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर इसकी गोल पट्टियाँ काट लें। फिलिंग का तरीका, मिक्सिंग बोल में फिलिंग के तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें, पट्टियों में फिलिंग करें, मैदे को नीम गर्म पानी में हल करके लई बना लें, पट्टियों के किनारों पर लगाकर बंद कर लें, पैन में तेल गर्म करें और समोसों को फ्राई कर लें और सॉस के साथ सर्व। अरवी पराठा, डो बनाने के लिए मैदा आधा किलो, अंडा 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, नमक हसब जायका। फिलिंग के लिए अंडे 4 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 4-5 चले, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश 100 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, तेलिया घी हसब ज़रूरत, नमक हसब जायका। तरकीब, मिक्सिंग बोल में डो के तमाम अज्जा मिक्स कर लें, गूंद कर पेड़े बना लें, बेल के एक तरफ रख दें, मिक्सिंग बोल में फिलिंग के तमाम अज्जा को मिक्स कर लें, बेली हुई रोटी के दरमियान रखकर किनारों पर अंडा लगाएं और लिफाफे की तरह बंद कर लें, अंडे से ब्रशिंग करके सेंक लें, तैयार हो जाए तो उतार कर सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, वॉल्स क्रीमी डिलाइट प्रेजेंट फूड स्टेशन विद गुलजार में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं और मेरे साथ इरम खान है। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखें और समोसे जो हैं गर्मा गर्म क्रिस्पी कड़क समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अरेबियन पराठे की तरफ। इरम खान आप रोटी बनानी नहीं आती है, तो आज मैंने आपको समोसा बनाना सिखाया तो आज मैं आपको रोटी भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? तो तैयार हैं आप? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करें है। बिल्कुल तो हम बनाते हैं रोटी, ठीक है? और वो भी अरबियन जो है रोटी बनाएंगे, उसको पराठा बनेगा बाद में इसका, ठीक है? और यहाँ पर जो है ये चूल्हा जो कह रहा है कि मैं जो है ना आपको तंग करूँगा, ठीक है? इसको स्टार्ट करते हैं और ये आ गया, ठीक है? गर्म हो रहा है चूल्हा, जब तक हम चलते हैं रोटी की तरफ। रोटी बनाने के लिए हाथ का साफ होना जरूरी है, ठीक है? मैदा थोड़ा सा, हाँ ग्लव्स उतार दें। अच्छा, मैदा इसमें थोड़ा सा हमने नमक डाला है और इसे हमने गूंद के रख लिया, ठीक है जी? और इसे आपने जब पेड़ा बनाए, फर्ज करें कि आपने एक पेड़ा बनाना है, ठीक है? तो आपको पेड़ा जो है वो बनाने के फौरन बाद ना बेलें, ठीक है? ये देखें
ये आपने खुशका बिछा लिया यहाँ पर, और ये खुशका जो है ना वो आपका सपोर्ट करेगा इसको ना चिपकने के लिए, ठीक है। ये देखें, इसको आपने रख दिया, ठीक है। इसको आप फौरन बेलेंगी ना, ये खींचेगा, आपको तंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे पहली रोटी हमने बना ली, उसके बाद दूसरा पेड़ा बनाया। जब तक मैं इस दूसरे पेड़ा बना रहा हूँ ना, तो वो जो पहला वाला पेड़ा है वो रिलैक्स हो चुका होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको बेलने में आसानी होगी, ठीक है। इस तरह से हम 2 से 3 पराठे बनाएंगे, और सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास बेलन होना चाहिए। और अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको बेलते कैसे हैं। खुशका इसी बहाने ना मैं रोटी पराठा बनाना सीखा। हाँ, खुशका लिया आपने, और खुशका जितना लगा रहेगा उतने अच्छी तरह से आपकी रोटी बेलते रहेगी। देखिए मैं खुशका लगाते जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक दो बार ट्राई किया है रोटी बनाने के लिए, वो क्या होता है अगर खुशका मैंने डाला है तो वो बहुत ज्यादा रोटी जब बनती है वो ड्राई सी होती है, लेकिन हाँ वो इसलिए कि खुशका फिर रह जाता है उसके अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा आज के खुशके को इसमें से हटाने का तरीका। ये जब आप रोटी बना चुकी हो ना, तो उसके बाद फिर आप इसको इस पे से हाथ से हल्का हल्का हटा दें, ताकि खुशका जो है ना वो आपको तंग ना करे और ड्राई ना करे उसको, ठीक है। ये देखें रोटी आपकी फाइनली डन हो चुकी, और इस वक्त जब मैं इसको पलट रहा हूँ तो इसे हमने राउंड में कर लिया। अब इसके ऊपर से हल्का सा यूं करके हाथ मारें ताकि इसका खुशका निकल जाए, और इसे तवे पे रखें, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये है कि इसे दोनों तरफ से पहले बनाएंगे, उसके बाद बीच में हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें रखनी है, और उसके बाद इसे पराठा तैयार। हमारे पास कॉलर हैं, नईम फ्रॉम लाहौर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्लाइटली जरा इसको इसकी करेक्शन कर लें, ये नईम इज ज़ईम है। ज़ईम है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ज़ईम साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। ज़ईम साहब क्या कहना चाहेंगे? बस वाचिंग योर शो, तो आई डिसाइडेड टू मेक अ कॉल। काफी दोनों जो आप चीजें बना रहे हैं मेरी फेवरेट थी। अच्छा, जबरदस्त चीज, समोसा एंड अरेबियन पराठा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ फरमाइश करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे हमारे शो के बारे में? नहीं, इट्स जस्ट फैबुलस एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपकी जो होस्ट है इरम खान जी, शी इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। तो बस आप इस तरह की मजे मजेदार रेसिपीज बनाया करें। ठीक है, हम आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रमजान का महीना है, अपने लिए भी और हम तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कब किसी की दुआ कबूल हो जाए पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर जैसे रोटी हमने दोनों साइड बना ली, और उसके बाद मैंने इसमें चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। और इस रोटी को आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसको आपने साइड में निकाल लिया, ठीक है। और इसके अंदर आपने अब ये सारी ये चीज़ें ऐड होंगी इसमें, और इसमें ये फिर बड़ा मज़ेदार एक खाना तैयार होगा। ये एग है। हाँ, ये अंडे हैं, इसको हमने पकाया हुआ है, इसी में हमने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, और थोड़ी सी प्याज, 4 अंडे, और थोड़े से प्याज डाल दी, लहसुन डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, एक चुटकी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये है मोज़रेला चीज़, ठीक है। ये सारा हमने इसमें ऐड कर दिया जी, ये आ गया। और इसके बाद इसे करना है मिक्स अच्छी तरह से, ये देखें, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये क्या होगा कि ये सारे अंडे भी इसमें आ गया, प्याज भी आ गई, लहसुन भी आ गया, लाल मिर्च भी आ गई, काली मिर्च भी आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस बैटर को आपने यहाँ रखना है इस तरह से, ठीक है, और हाथ में रखना है, ठीक है, आधे में। फिर आगे इसको फोल्ड करेंगे। यस, और फिर क्या होगा कि गर्म जब होगा तो ये चीज मेल्ट हो जाएगी। ओह वाओ। और ये फिर आपस में चिपक जाएगा यूं करके, ठीक है। और ये आ गया वापस तवे पे, और ये आ गया ऑयल या घी जो भी आप। अच्छा, जब तक मैं इसे बना रहा हूँ, और आप चाहें तो रोटी की ट्राई कर सकती हैं। चले मैं, ठीक है जी, थैंक यू जी। तो पहले खुशका डालना होगा जी, पहले खुशका खूब सारा डाल दें।
जी, तो ये हमारे पास एक पराठा जो है वो फाइनली तैयार हो चुका और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। और अब हम देखेंगे कि इरम खान जो है वो पराठा कैसे बना रही है। ठीक है जी, इसका ऑयल खत्म कर दें, कम कर दें। ठीक है, और डालें इसमें खुशका और डालो। जी आप बना लेंगी, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा दूसरा ये कि ना इस, नहीं, मैंने दो दो मिनट थोड़ा सा ऊपर भी खुशका डालें। ठीक है, अब ये चिपकेगा नहीं और इसको ना नहीं नहीं ऐसे ना बेलें, इसको कभी भी पकड़ें तो इधर से पकड़ें। ये देखें ये घूम रहा है ना, ये हिस्सा इसका और ये हैंडल है, इसको आप ऐसे पकड़ेंगे ना तो ये देखें सही इधर से पकड़ेंगी कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। ओके हाँ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी जो कि आपने ओके ठीक है आगे तक ले जाएं ताकि वो आगे हाँ वो जो जो हैवी है ना जगह वो सही हो। अब ठीक है ओके, अब इसको पलट लें। यस, अब इस तरफ से बेलें। ठीक है ओके, बस ठीक है, अब आप फिट फाइनली आप जो है ना आराम से घर पर पास हो गई हैं। ठीक है जी, और इसे हम डाल देते हैं तवे पे। ठीक है, अच्छा जैसे कि हमने उस वक्त पराठा बनाया लेकिन इसे हमने बाहर निकाल लिया लेकिन इसलिए कि हमारा जो मिक्सचर था वो तैयार नहीं था। ठीक है, अब इसे हमें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कैसे बनेगा ये देखें, इसको आपने एक तरफ से पकाया, दूसरी तरफ पलटा, हल्का सा उसको सेका। ठीक है, अब ये आराम आराम से धीमी आंच पर इसको बनाएं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें इसलिए कि जल्दबाजी जो है वो शैतान का घर होता है। क्या ख्याल है? ठीक है जी, इसको आप बनाएंगे सब्र और तहम्मुल, रोजा हमें सब्र करना सिखाता है। ठीक है, तो इसे आपने दोनों तरफ से सेका, उसके बाद इसी तवे के ऊपर ही आपने हाथ में ग्लव्स पहना और इसके ऊपर सारा इसी के ऊपर ही रहा बैटर रख दिया। ठीक है, हाँ ग्लव्स पहन के तैयार हो जाएं, मैं इसको चेंज करने लगा हूं। अब आप इसके ऊपर बैटर रखें एक साइड पर ना, आधा हाफ मून डन, मैं यहां साइड पे रख दीजिए। जी, तो अब आपके घर वालों को आप जो है सहरी जो है वो करवा लेंगे। ठीक है। अच्छा, सहरी में मैं जाग भी रही होती हूँ ना, तो मैं नहीं उठती। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब मैं घर पर होती हूँ तो अफ्तारी यूजुअली सारा मैं देख रही होती हूँ। अच्छा, सहरी वाला आपका काम नहीं है? हाँ, सहरी जो है वो अम्मी देखती है। अच्छा ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने ये लिया, ये देखें, इसको हमने इस तरह से बंद कर दिया और इसको बंद करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ये ले ऑयल, ताकि इस पे आपका नाम हो ना, इरम खान अरबियन पराठा। डाले डाले डाले, कोई डरे नहीं, और डाले नीचे भी डाले, नीचे तवे पे, ताकि नीचे से भी पक जाए ना। ठीक है, अब इसे आपने क्या करना है कि यूँ लिया आपने, जहाँ पर ऑयल है वहाँ पर इसको ले गए साइडों से, ताकि ये ऑयल इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए। और पराठा हमेशा जब भी बनाएं घर पर इसे दो चम्मचों से इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे फर्ज करें ये आपने एक टेबल स्पून ले लिया और ये एक चमचा है आपके पास। ठीक है, अगर आपने ऐसे पलटा तो ये ऑयल उड़कर आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा हाँ, तो फिर इसको आपने ये सहारा देके, इससे क्या होगा पराठा आपका उड़ेगा नहीं, इसमें ऑयल जो है वैसे नहीं। मैं ये ट्राई करूंगी, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और बनाऊंगी मैं जी, बहुत मजे का लग रहा है। थैंक यू। ये तैयार हो रहा है अरबियन पराठा और चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ और वॉल्स क्रीमी डिलाइट बनाते हैं विद बिस्किट के साथ। अरबी पराठा दो बनाने के लिए मैदा आधा किलो, अंडा एक अदर, मक्खन दो खाने के चमचे, चीनी एक खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर एक तिहाई चाय का चम्मच, नमक हंसके जायका। फिलिंग के लिए अंडे चार अदर, प्याज एक अदर, लहसुन चार से पाँच जले, मोजरेला चीज, कद्दूकश 100 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, केविया घी हंसके जरूरत, नमक हंसके जायका। तरकीब, मिक्सिंग बोल में दो के तमाम अज्जा मिक्स कर लें, गूंद कर पेड़े बना लें, बेल के एक तरफ रख दें, मिक्सिंग बोल में फिलिंग के तमाम अज्जा को मिक्स कर लें, बेली हुई रोटी के दरमियान रखकर किनारों पर अंडा लगाएं और लिफाफे की तरह बंद कर लें, अंडे से ब्रशिंग करके सेंक लें, तैयार हो जाए तो उतार कर सर्व करें।
चीज समोसा। समोसे की पट्टियों के लिए मैदा 300 ग्राम, घी 2 खाने के चम्मच, तेल तलने के लिए नमक हसब जायका। फिलिंग के लिए चिकन बॉयल 300 ग्राम, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, पिज्जा सॉस 5-6 खाने के चम्मच, मोजरेला चीज कद्दूकश 150 ग्राम, ओरिगानो आधा चाय का चम्मच, शिमला मिर्च चॉप्ड बगैर बीज के 1 अदद, टमाटर चॉप्ड बगैर बीज के 1 अदद, मैदा 2-3 खाने के चम्मच, तेल फ्राइंग के लिए नमक हल्क जायका। पट्टियाँ बनाने का तरीका, एक मिक्सिंग बोल में मैदा डालें, फिर इसमें घी नमक और हसब जरूरत पानी शामिल करके पट्टियों के लिए आटा गूंद लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर इसकी गोल पट्टियाँ काट लें। फिलिंग का तरीका, मिक्सिंग बोल में फिलिंग के तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें, पट्टियों में फिलिंग करें, मैदे को नीम गर्म पानी में हल करके लई बना लें, पट्टियों के किनारों पर लगाकर बंद कर लें, पैन में तेल गर्म करें और समोसों को फ्राई कर लें और सॉस के साथ सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, बॉल्स क्रीमी डिलाइट प्रेजेंट फूड स्टेशन विद गुलजार में आपको दोबारा से खुश आमदीद है। चीज़ पराठा तैयार अपना तैयार हो चुका है, अरबियन पराठा, चीज़ समोसा तैयार हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बिस्किट विद वॉल्स क्रीमी डिलाइट के साथ। ठीक है जी, इरम खान कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बोर तो नहीं हो रही? बिल्कुल मैं बोर नहीं हो रही हूँ, मुझे बहुत मजा। अच्छा, आपने दो चीज़ें आज प्रैक्टिकली सीखी यहाँ पर, तो हाँ, क्या ये चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि क्या होता है, किस तरह से होता है? हाँ, अब रोल की पट्टियाँ नहीं टूटेंगी मुझसे, ठीक, और जो मुझे रोटी बनाना नहीं आती थी अब वो भी मुझे आ गई है, ठीक, तो अब मैं रोटी बना सकती हूँ। अच्छा, आपने कभी वॉल्स क्रीमी डिलाइट का फैमिली पैक खोला है इसको? हाँ बिल्कुल खोला है मैंने। अच्छा चले, आज हम चाहेंगे कि ये वाह भाई वाह, यानी कि आप वॉल्स क्रीमी डिलाइट यूज करती रहती हैं घर पर? बिल्कुल ऐसा ही है, अक्सर लोग इसे खोलना नहीं जानते हैं। चॉकलेट, हाँ, कुल्फा भी आता है इसमें, अक्सर लोग इसे खोलना नहीं जानते और इसकी वजह से क्या करते हैं कि पूरे डब्बे को खराब कर देते हैं और वॉल्स क्रीमी डिलाइट जो है ना वो सारा बिखर जाता है इसमें। ठीक है जी, यस वाओ, ठीक है जी, और ये बहुत ही, और इसका एक लीटर जो है वो 230 रुपए का है, यानी अफोर्डेबल है थोड़ा सा, मतलब आप मिठाई भी लेते हैं ना तो वो काफी ज्यादा आप खर्च करके आ जाते हैं, लेकिन जस्ट मतलब ये आपको बहुत चीपली बहुत मजे का टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं ऐसे तो जरूर टेस्ट कीजिए, ऐसे लीजिए और अफ्तार में स्पेशली इसको खाने में बड़ा मजा। और मैं आज आपको सिखाऊंगा वॉल्स क्रीमी डिलाइट से एक डिफरेंट सा डिजर्ट बनाना। ठीक है, हमारे पास 2 कप्स हैं, यहाँ हमारे पास वेफर्स बिस्किट्स हैं, इसको तोड़ लें, ठीक है, चूरा कर लें और इस तरह से इसमें नीचे डाल दें इसके, ठीक है, ये कर दिया आपने। इसके बाद आपने क्या किया कि लिया कंडेंस मिल्क, ये ज़रूर बनाइएगा घर पे कंपनी, और आपके जो घर वाले वो कहेंगे वाह वाह ये एक नई चीज़ आपने सिखाई। ठीक है, ये आपने वॉल्स क्रीमी डिलाइट किस पर बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें कंडेंस मिल्क डाला, ठीक है, और फ्लेवर हम कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, हाँ कोई भी जो आपको पसंद हो, वेनिला है, टूटी फ्रूटी है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ठीक है, आपने इसमें कंडेंस मिल्क डाला और उसके बाद इसमें आपने डाला सॉस, चॉकलेट सॉस, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब जब ये सॉफ्ट वॉल्स क्रीमी डिलाइट के नीचे क्रिस्पी जो है ना बिस्किट्स होंगे ना तो खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसके स्कूप, ये देखें आपने इसको टर्न किया, ये स्कूप्स आप करके देखेंगी, ट्राई करेंगी, चलिए, ताकि आपने हर चीज़ में थोड़ा हाथ बढ़ाया ना मेरा, ऐसा ना हो ना कि वॉल्स क्रीमी डिलाइट के डिजर्ट बनाते वक्त आपने हाथ नहीं बढ़ाया तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना जी। जी तो ये एक ये एक, एक और डालते हैं, क्या खाली मतलब मुंह में पानी आ रहा है
ये साइड में जो जगह है ना इस पे, ये इसको ये दिखाएं मैं, यस हाँ इसको पुश करें लाइन ये, ठीक है। एक और इसमें हम शामिल करते हैं ताकि ये इसकी जगह फुल हो जाए। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है कि इस तरह से बिस्किट को साइड पर ये देखें प्रेजेंटेशन, हाँ नीचे भी है ताकि पता चल सके ना कि इसमें हमने डाला क्या है। और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा जो कंडेंस मिल्क है वो आपने थोड़ा शामिल किया और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऐड कर दिया जी। एक आप गार्निश करें, भाई इरम खान के लिए तालियां सारे। थैंक यू। इन्होंने आज मतलब मैं पास हो गई मेरे, हाँ बिल्कुल पास हो गई। आप आपका आइडिया आपकी सोच बड़ी स्ट्रांग है और मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी सीख सकती हैं। आपको आपको सिखाने में कोई मेहनत इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मुझे वैसे भी कुकिंग आती है, बस हाँ। ये चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी जो कि मैंने सीखी जी। इरम खान आप न्यूज़ पढ़ती हैं और बहुत सारे वाक़यात आपके सामने से गुजरते हैं, मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लोगों से अपना मैसेज शेयर करना चाहें। ओके मैसेज तो मेरा बस यही होगा कि दिलों में एक दूसरे के लिए बगज़ ना रखें और अगर आपको किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है ना, बजाय इसके कि आप इधर उधर जाके वो बात करें कि जिसके साथ आपकी कोई भी इश्यूज हैं आप डायरेक्टली उसके पास जाएं और उससे बात करें। उससे क्या होता है कि जो आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं ना वो खत्म हो जाता है। अपना खून ना जलाएं, खुश रहें, चिल करें। इसलिए कि जिंदगी इंसान को सिर्फ एक ही दफा मिलती है, दो दफा नहीं मिलती, एक दफा की जिंदगी। और कभी कभी बहुत गलत फहमियाँ हमारे दिलों में आती है और इस तरह जब आप डायरेक्टली क्लियरली बात करते हैं तो वो गलत फहमियाँ। और हमने कौन सा 200 साल जिंदगी गुजारनी है, थोड़ी सी जिंदगी हंस खेल के गुजार लें, एक दूसरे को तकलीफ ना दें, मोहब्बत से और प्यार से। बहुत शुक्रिया इरम खान आप आई और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप अपना वॉल्स क्रीमी डिलाइट प्रेजेंट फूड स्टेशन विद गुलजार में आपको खुश आमदी अपना खुदाफिस कहूँगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड चाओ। चीज़ समोसा, समोसे की पट्टियों के लिए मैदा 300 ग्राम, घी 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए नमक हसब ज़ायका, फिलिंग के लिए चिकन बॉयल्ड 300 ग्राम, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, पिज्ज़ा सॉस 5 से 6 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश 150 ग्राम, ऑरिगैनो आधा चाय का चम्मच, शिमला मिर्च चॉप्ड बगैर बीज के 1 अदद, टमाटर चॉप्ड बगैर बीज के 1 अदद,
मैदा 2-3 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, नमक, हल्दी का जायका। पट्टियाँ बनाने का तरीका, एक मिक्सिंग बोल में मैदा डालें, फिर इसमें घी, नमक और हसब जरूरत पानी शामिल करके पट्टियों के लिए आटा गूंदें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर इसकी गोल पट्टियाँ काट लें। फिलिंग का तरीका, मिक्सिंग बोल में फिलिंग के तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें। पट्टियों में फिलिंग करें। मैदे को नीम गर्म पानी में हल करके लई बना लें। पट्टियों के किनारों पर लगाकर बंद कर लें। पैन में तेल गर्म करें और समोसों को फ्राई कर लें और सॉस के साथ सर्व करें। अरवी पराठा। डो बनाने के लिए मैदा आधा किलो, अंडा एक अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 तिहाई चाय का चम्मच, नमक हसब जायका। फिलिंग के लिए अंडे 4 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 4-5 चले, मोजरेला चीज, कद्दूकश 100 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, तेलिया घी हसब जरूरत, नमक हसब जायका। तरकीब, मिक्सिंग बोल में डो के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। गूंद कर पेड़े बना लें, बेल के एक तरफ रख दें। मिक्सिंग बोल में फिलिंग के तमाम अज्जा को मिक्स कर लें। बेली हुई रोटी के दरमियान रखकर किनारों पर अंडा लगाएं और लिफाफे की तरह बंद कर लें। अंडे से ब्रशिंग करके सेंक लें। तैयार हो जाए तो उतार कर सर्व करें।